हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं पूर्णा शाह नडिया गुजरात से आ रही हूँ और अमूल के लाइव पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे डिश बनाएंगे जो दो डिशों का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि हम सैंडविच का भी टेस्ट लेंगे और समोसा का भी हम टेस्ट लेंगे। तो आज हम समोसा चीज ग्रिल सैंडविच बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, आइए हम देख लेते हैं। पहले तो हमें समोसा के फिलिंग के लिए, सैंडविच के फिलिंग के लिए जो समोसा बनाने वाले हैं, समोसा लेकिन आज हम फ्राई करके नहीं बनाएंगे, लेकिन इसका स्टफिंग जरूर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने आलू लिया है, ये 3 बड़े आलू है और इसे मैंने बॉइल करके मैश कर लिया हुआ है। ये पीस है जिसे मैंने पार्ट बॉइल कर लिया है। धनिया पत्ती है, चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन है और ये कुछ बेसिक मसाले हैं। ये क्यूमिन सीड है, ये मैंने सौंफ ली है, ये कोर्सली क्रिया किया हुआ मैंने धनिया लिया है, होल जो कोरिएंडर आता है इसका मैंने 2 पार्ट कर लिया है। फिर रेड चिल्ली पाउडर लिया हुआ है, आमचूर पाउडर है, गरम मसाला है, सॉल्ट है और ये चाट मसाला है, थोड़ा ऑयल है। और हम बीच में जो स्टफिंग के ऊपर रखने वाले हैं, इसमें मैंने कैप्सिकम लिया हुआ है और अनियन ली हुई है और ये ग्रीन चटनी जो हम रेगुलर बनाते हैं वही है, धनिया मिर्ची की। और ये मीठी चटनी है जो हम खजूर इमली की बनाते हैं वो है। और अमूल की ये ब्रेड है और अमूल का बटर और अमूल का चीज हमें यूज करना है। तो पहले हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे, 1 या 2 टीस्पून जितना, ज्यादा नहीं लेना है। इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा लेंगे, 1/2 टीस्पून सौंफ लेंगे, 1/2 टीस्पून कोर्सली ग्राइंड किया हुआ होल कोरिएंडर लेंगे। सभी को हम थोड़ा सा ऑयल में सौते करेंगे। थोड़ा भून गया है तब हम इसमें, ये मैंने ग्रीन चिली को चॉप कर लिया है और अदरक को भी, जिंजर को भी मैंने चॉप कर लिया है। छोटा टुकड़ा हमारा जिंजर का है और 2 मैंने ग्रीन चिली लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो क्योंकि हमें रेड चिली पाउडर भी लेना है। चिली को हमें स्लो रखनी है वरना हमारा मसाला जल जाएगा। फिर इसमें हम ये हमारा मैश, बॉइल और मैश किया हुआ पोटैटो ले लेंगे।
इसमें हम हमारा स्पाइसेस डालेंगे, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून सॉल्ट है, चाट मसाला भी आगे आएगा तो हमें सॉल्ट थोड़ा कम डालना है, ये हाफ टी स्पून जितना गरम मसाला है, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर है, ड्राई मैंगो पाउडर जिसे बोलते हैं, हाफ टी स्पून जितना चाट मसाला है और सभी को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये हमारा चटपटा आलू का मसाला तैयार हो गया। हमें ये याद रखना कि हमें ऑयल ज्यादा नहीं लेना है, वरना क्या होगा, हम जब सैंडविच बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऑयल का टेस्ट आएगा, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा, थोड़ा हमारा मसाला भुन जाए इतना ही हमें ऑयल लेना है, 2 टेबलस्पून जितना, जितना हम चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स ले लेते हैं। दो टेबल स्पून हम बॉईल किया हुआ मटर ले लेते हैं। हमें आलू को भी स्टीम करके कुक करना है, जो हम पानी में कुक करेंगे तो पानी का मॉइस्चर आलू में ज्यादा आ जाएगा, तो इसकी वजह से भी हमारा स्टफिंग अच्छा नहीं बनेगा, तो हमें ये भी याद रखना है कि हमें आलू को स्टीम करके ही कुक करना है। अब देख सकते हो हमारा स्टफिंग कितना बढ़िया तरह से तैयार हुआ है, और फ्रेश ऑयल भी हमारा नहीं दिख रहा है, इसी वजह से हमें बहुत कम ऑयल लेना है, ज्यादा ऑयल हमें नहीं लेना है, क्योंकि मेन हमें बटर का टेस्ट सैंडविच में देना है। अब हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ। और स्टफिंग को मैं एक बाउल में निकाल देती हूँ। हमारा स्टफिंग हमें थोड़ा ठंडा चाहिए, तब तक हम क्या कर लेते हैं, ये स्लाइस कर लेते हैं अनियन और कैप्सिकम की। हमें हमारी सैंडविच में बीच में चाहिए तो हम इसकी पतली पतली स्लाइस कर लेते हैं। इसी तरह हम अनियन की भी स्लाइस कर लेते हैं। बहुत ठीक हमें नहीं रखनी है, थोड़ी पतली ही चाहिए।
अब हमें ब्रेड की, अमूल की ब्रेड मैंने ली है और उस पर हम पहले बटर अप्लाई कर देते हैं। ऊपर हम ये हमारी कोरिएंडर और मिर्ची की बनाई हुई ग्रीन चटनी अप्लाई कर देते हैं। ये चटनी थोड़ी तीखी अच्छी लगती है तो आप इसमें थोड़ी मिर्च ज्यादा डालोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्रेड की स्लाइस आएगी तो फीकी हो जाएगी, वरना तो हमें चटनी को थोड़ी तीखी रखनी है। और अच्छी तरह हमें इसे फैला देना है। अब इस पर हमें ये स्टफिंग रखना है। ये सैंडविच बहुत ही बढ़िया लगती है, हमें सैंडविच का लुक मिल जाएगा और टेस्ट हमें समोसा का मिलेगा, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बहुत अच्छा लगता है। सभी को ये बहुत अच्छी लगेगी, आप जरूर ट्राई करना। इस पर हम थोड़ी सी इमली की चटनी अप्लाई कर देते हैं, बहुत ज्यादा हमें नहीं लेनी है। थोड़ा चीज ले लेते हैं, चीज की क्वांटिटी आप अपनी तरह कम या ज्यादा अपने जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। मुझे आगे भी डालना है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं डाल रही हूँ। इसके ऊपर मैंने ये कैप्सिकम की स्लाइस रख दी है और ये अनियन की स्लाइस रख देती हूँ। इसके ऊपर फिर से मैं थोड़ी सी चटनी ले लेती हूँ। प्रॉपर हमें समोसा का ही टेस्ट आएगा, क्योंकि हम समोसा की तरह ही ये दोनों चटनी भी ले रहे हैं और आलू का स्टफिंग भी ले रहे हैं, तो आपको समोसा का प्रॉपर टेस्ट आएगा। ऊपर से हम फिर से चीज अप्लाई कर देते हैं। आपको समोसा का टेस्ट ज्यादा चाहिए तो चीज ज्यादा मत लेना। ऊपर से मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ, इसीलिए हमें स्टफिंग में बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना है। थोड़ा मैं प्रेस कर देती हूँ। अब हमें ऐसा टोस्टर लेना है, इस पर मैं दोनों साइड थोड़ा बटर अप्लाई कर देती हूँ।
ब्रेड पर भी मैं थोड़ा बटर ले लेती हूँ। इसकी वजह से हमारी सैंडविच क्रिस्पी होगी और टेस्ट में भी अच्छी लगेगी। और इसे हमें प्रेस करकर बंद कर देना है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे टोस्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं फिर से रेसिपी दोहरा देती हूँ। आज हम समोसा चीज ग्रिल सैंडविच बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने दो आलू लिए हुए थे और इसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था। फिर मैंने रूटीन मसाले लिए थे, इसमें मैंने सौंफ ली थी, जीरा होल जीरा लिया था और होल कोरिएंडर लिया था जिसे मैंने हाफ क्रश कर लिया था। फिर रूटीन मसाला में मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, सॉल्ट लिया है और ग्रीन चिली और जिंजर को मैंने थोड़ा चॉप करके डाला है। सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया और फिर मैंने जीरा, कोरिएंडर और सौंफ डाला, थोड़ा सौते किया, फिर मैंने जिंजर और ग्रीन चिली चॉप किया हुआ डाला, थोड़ा सौते करके मैंने आलू डाला और सभी मसाले डाल दिए और स्टफिंग तैयार कर दिया कोरिएंडर लीव्स डाल के। फिर मैंने ब्रेड पर ग्रीन चटनी अप्लाई की, बटर अप्लाई किया, फिर ग्रीन चटनी अप्लाई की, फिर थोड़ा आलू का मसाला मैंने लिया, ऊपर से मैंने इमली की चटनी डाली, चीज डाली, फिर मैंने कैप्सिकम और अनियन की रिंग ले ली। आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स और भी ले सकते हो। उसके ऊपर मैंने फिर से चटनी डाली जो इमली वाली होती है वो, फिर मैंने चीज डाली और चाट मसाला डाल के मैंने ऐसे टोस्टर में रखकर अब मैं टोस्ट कर रही हूँ। हमें अच्छी तरह थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो तभी तब तक हमें इसे ग्रिल करना है। आप ग्रिलर में भी कर सकते हो ये प्रोसीजर, पर ऐसा टोस्टर में अच्छी तरह हो जाता है तो मैंने ये लिया है। बहुत बढ़िया इसका टेस्ट लगता है, हमें सैंडविच का लुक और समोसा का टेस्ट मिल जाएगा। तो आप अपनी सैंडविच की रेसिपी में इस रेसिपी को जरूर इंक्लूड करना, बहुत अच्छी लगती है, एक बार जरूर ट्राई करना। बीच बीच में हमें पलटाते रहना है और देखना भी है कि हमारी सैंडविच हो गई या नहीं। हमारी सैंडविच अच्छी तरह से एक साइड पर हो गई है। दूसरी साइड पर थोड़ी हमें क्रिस्पी करनी है। आप भी अलग अलग टाइप की सैंडविच बनाते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आप कौन कौन सी नई सैंडविच ट्राई करते हो, और ये सैंडविच तो आप जरूर ट्राई करना। आज शाम को ही आप बना सकते हो क्योंकि ये रूटीन इंग्रेडिएंट से ही बनती है, तो इसमें ज्यादा कुछ बाहर से लाना नहीं है। हमारी सैंडविच हो गई है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरह से हमारी सैंडविच हो गई है। आप इसे ये दोनों चटनी के साथ सर्व कर सकते हो।
इसे कट कर लेते हैं। आप इसकी आवाज सुन सकते हो कितनी क्रिस्पी हुई है। तो इसे जरूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी और एक यूनिक सैंडविच हमें मिल जाएगी। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरह से हमारी सैंडविच हो गई है। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेते हैं। तो एक बढ़िया सैंडविच हमारी तैयार हो गई है, आप इसे जरूर ट्राई करना। इसकी रेसिपी एकदम सिंपल है और इसके इंग्रेडिएंट भी हमें घर पे ही मिल जाने वाले हैं, तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। देख सकते हो वैसे तो किसी चटनी की भी जरूरत नहीं होगी, पर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो ये चटनी के साथ आप ले सकते हो, वरना हमें इसमें तो हमने डाला ही है। तो आज बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े हुए सभी को मैं दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। खास करके अमोल टीम, शशांक सर, अभिषेक सर, दीपा मैम, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।